नमस्कार दोस्तों, जनपद सोनभद्र रेणुकूट नगर इस समय उपस्थित हूं दुर्गा मंदिर पे। वीडियो बनाने का खास मकसद ये है कि भारत भ्रमण पर निकले साइकिल से दो कपल, जानकारी करूंगा कि कहां से उनकी ये साइकिल यात्रा चालू हुई है भारत भ्रमण के लिए, कहां पर इसका समापन होगा इसके बारे में भी जानकारी लेता हूं। ऐसे लोगों को जो जज्बा होता है वो देखने लायक होता है, लेकिन उन्होंने बीड़ा उठाया है साइकिल से भारत भ्रमण करने का। आइए मिलते हैं इन लोगों से। आप अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मैं संगीता विश्वास हूँ। हम बंगाल में हुगली डिस्ट्रिक्ट में चिंसुरा शहर में रहते हैं जी। और मेरे साथ है मेरा पति, उनका नाम है प्रदीप विश्वास जी। हम बंगाल से निकले हैं, ये चौथी दफा का जर्नी है जी। इससे पहले जो तीन दफा है उसमें हम 7 स्टेट कवर किए थे, चौथी दफा में हमारा ये 11वीं स्टेट है जी। देखिए, इनके जो साथ में इनके पति देव है, मैं उनसे भी बातचीत करना चाहूंगा। आप अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप विश्वास। हम बंगाल से आए हैं और हम साइकिल से पूरा भारत घूमना चाहते हैं और पर्यावरण के लिए अपर प्राइमरी स्कूल क्लास 8, 7, 8, 6 उन बच्चों के साथ इंटरेक्शन करते हैं कि पर्यावरण एक अकेला आदमी कैसे बचा सकता है। अगर ये पर्यावरण नहीं रहेगा, अगर हमारा देश नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे। प्राइमरी स्कूल या छोटे बच्चों को प्रोत्साहित भी करते हैं, वहां पर जाकर के उनको बताते हैं कि कैसे पर्यावरण को संरक्षित किया जाए और पर्यावरण प्रदूषण पर कैसे काम किया जाए जो कि प्रदूषण ना फैले। क्या कहना चाहेंगे? हम बच्चे लोगों को यही सिखाते हैं कि एक अकेला आदमी, एक छोटा सा बच्चा जो 5 क्लास में पढ़ते है और वो क्या कर सकता है पर्यावरण के लिए। ये जो प्लास्टिक है, जो चीज खाते हैं बच्चे लोग, चिप्स खाते हैं, कोई प्लास्टिक का रैपर वाला चीज खाते हैं, तो हम देखते हैं कि इधर उधर जहाँ पर फेंक देते हैं, तो अगर वो ना फेंके, पॉकेट में रखे या सही जगह में डस्टबिन में फेंक दे तो वो पर्यावरण तो बचेगा ही, और साथ साथ अगर पर्यावरण नहीं बचा तो हम नहीं बचेंगे, पर्यावरण बचेगा तो हम बचेंगे। देखिए, बहुत अच्छी पहल इनकी है कि जो प्लास्टिक या अन्य ऐसी चीजें होती हैं जो पृथ्वी की उर्वरा शक्ति को नष्ट कर देती हैं, इनकी एक लेयर जम जाती है उसमें, फिर वो उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है, तो ऐसे अपविष्ट पदार्थों को आप जो है डस्टबिन में ही डालें या उचित स्थान पर डालें, इधर उधर फेंके ना, ये इनका संदेश है। मैडम जी, कैसे आपको प्रेरणा मिली रुकता रैली जो पूरे भ्रमण कर रही है आप भारत में, कैसे आपको ये प्रेरणा मिली कि निकाला जाए? पहले तो हम लोगों का ख्वाहिश था ऐसे निकलना, लेकिन जब 2022 का अक्टूबर में पहला निकला हम 27 तारीख को, तब सोचे थे कौन सी चीज लेके निकले, तो हम जब पर्यावरण का वार्ता देना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे अच्छा है साइकिल। ये जैसे हमारा पॉकेट फ्रेंडली है, हमारे लिए भी सुविधा है, परिवेश के लिए भी सुविधा है। हमारा जो सपना है पूरा भारतवर्ष को देखना, उसके लिए बहुत हजार किलोमीटर चलना पड़ेगा, वो गाड़ी के वजह है। अगर साइकिल से चले हम भी पर्यावरण को कोई हानिकारक हानि नहीं पहुंचा पा रहे, ये सोच के हमको अच्छा लगता है, इसीलिए हम इसको लेके निकले। टोटल अभी जितना भी स्टेट घूमे हैं, बहुत सारा लोगों का जो भारतवासी है उन लोगों का सपोर्ट मिला है, वही हमारा मेन इंस्पिरेशन है ये घूमने का। देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये पर्यावरण को इतना संरक्षित करती हैं, सुरक्षा करती हैं कि ये बाइक से न चल करके साइकिल से चलती हैं। बाइक से चलती तो पर्यावरण थोड़ा प्रदूषित होता, लेकिन ये लोगों के लिए एक संदेश है कि हम जो है साइकिल से पूरी यात्रा करेंगे, पूरे भारत भ्रमण करेंगे और पर्यावरण से के लिए लोगों को जागरूक करेंगे, ये इनका संदेश है। और क्या कहना चाहेंगे? और अगर आप लोग भी ऐसे ऐसे चलेंगे तो 2-3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर का जर्नी साइकिल से करेंगे तो प्रदूषण कम होगा, यही बताना चाहते हैं हम। देखिए, दोनों लोगों के लिए मंगल कामना देते हुए, और ये जो इनका सराहनीय कार्य है, आप भी ऐसा कर सकते हैं अपने यहाँ, जहाँ पर बाइक से आप जाते हैं आप साइकिल से जाकर के पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं और प्रदूषण होने से बचा सकते हैं, क्योंकि सभी लोगों का प्रयास यही रहता है कि प्रदूषण ना हो और ये प्राकृतिक जो संतुलन है इसका बना रहे, ऐसी ऑक्सीजन की भी कमी होती, प्रदूषण जब बिगड़ जाता है और प्रदूषण जब ज्यादा होता है, नए वृक्ष नहीं लगाए जाते हैं, वृक्षों का कटान होता है, इससे क्या होता है ऑक्सीजन भी प्रभावित होती है। एक जानकारी देना चाहता हूँ, एक पेड़, एक वृक्ष, एक जो जिसका उम्र है 50 साल जी, वो सारी जिंदगी में 3 करोड़ का ऑक्सीजन देता है जी। अगर 3 करोड़ जेब में है तो जैसा मर्जी करो, नहीं तो पैर बचाना या परिवेश बचाना जरूरी है जी।
देखिए वृक्षारोपण करना बहुत जरूरी है और एक पेड़ इन्होंने बताया कि 3 करोड़ का ऑक्सीजन वो आपको देगा अपनी आयु में, तो ऐसे ही वृक्षारोपण बहुत जरूरी है। लोगों को भी प्रेरित करें और सभी लोगों के लिए मंगल कामना। ऐसे ही लोगों को दिखाता रहूंगा मैं, संजय श्रीवास्तव नमस्कार। चलाते मैं चाहूंगा कि जूम करके आप दिखाएं। इसमें देखिए पीछे कैरियल भी लगा हुआ है और यहाँ पर लिखा भी लगा हुआ है, आप दिखा सकते हैं कि ऑल इंडिया कपल टूर। तो ये ऐसे पूरी अपनी साइकिल को सजा के रखे हैं। यहाँ पर भी ये पावदान क्यों लगा हुआ है, इसमें आगे भी हट सकता है कोई क्या? उधर लगेज रहता है। अच्छा, इधर लगेज रहता है। और इधर भी दिखाना चाहूंगा कि ये साइकिल में प्रायः एक पैडल होता है लेकिन यहाँ पर दो है, ये है और एक ये है, ये आगे वाला जो टैंडम, इसको टैंडम टाइप साइकिल बोलते हैं। आप साइकिल चला लेती? हाँ, ये तो चलाना पड़ेगा, इसको वैसे ही बनाया है जी। इसका जो नाम हम लोगों का जैसे नाम होता है, ये भी हमारा प्यारा चीज है जी। तो इसका नाम है फुलटुसी। इसको लेके इसका मतलब है बंगाली में है खूबसूरत लड़की, फ्लावर जैसी जो होती है उसको बोलते हैं। इसको सब देखते हैं अच्छा लगता है, इसलिए ऐसा नाम दिया है। ये टैंडम टाइप साइकिल है, इस साइकिल में दोनों को एक साथ पैडल करना पड़ता है। जब आप दोनों लोग चलाते होंगे साइकिल, तो उत्तर प्रदेश के हैं, जब देखते होंगे तो आश्चर्य नजरों से देखते, देखो कैसी साइकिल जा रही है। हाँ, दो लोग चला रहे हैं, एकदम ऐसा लगता है जब पूरा मतलब लोग भीड़ लग जाती होगी। हाँ, लोग ऐसा साइकिल का प्रचार बाहर में है लेकिन हमारे इंडिया में बहुत कम है। ये हमारा देसी जुगाड़ से बनाया गया है लेकिन बाहर फॉरेन में ये पैसा मतलब महंगा में मिलता है, तो हमारे लिए तो नया चीज है। लोग भी देखते हैं, हमको भी अच्छा लगता है जी। इसके लिए हमको पहचानते हैं, हमारे लिए इसको नहीं जी, तो ये हमको अच्छा लगता है। देखिए ये इनकी पहचान है। और दूसरी बात मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, देखो ये जो दो पहिया होते हैं आपको साक्षात उदाहरण देखने को मिलेगा। दोनों लोग चलाते हैं, दोनों लोग सवारी करते हैं। कितने आपके बच्चे? कितने अभी तक बच्चे नहीं लिए क्योंकि हम लोगों का ये जर्नी हमको पसंद है जी। हम लोग ऐसे जीना चाहते हैं इसलिए बच्चे। देखिए लोगों को जागरूक करने का इन्होंने जो बीड़ा उठाया है, अपने परिवार का वंश चलाने के लिए उन्होंने नहीं लेकिन लोगों को प्रेरित करने के लिए इनका जो सुदृढ़ कार्य है, इनका जो प्रशंसनीय कार्य है, इसके लिए मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ और बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ। हमारा जो जर्नी है, हम वो जो भी थोड़ा बहुत होता है वो हमारा चैनल मातृभूमि लोकल बांग्ला में, जैसे हमारा जर्नी है खाना पीना रहना जगह उसके बारे में जानकारी देते हैं। कोई अगर पसंद आए हमारा फुलटुसी को दोबारा देखना चाहते हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमको अच्छा लगेगा। थैंक यू। ये इनका टेंट है और इसी में रात विश्राम करते हैं। जहाँ पर इनको रात हो जाती है वहीं पर ये टेंट लगाते हैं। इनकी रोजमर्रा की सामान इसी में रहती है और ये बहुत ही सुगम रहता है इनके लिए टेंट, गर्मी हो बरसात हो सब में काम करता है, ऐसे टेंट रखते हैं। इन लोगों की आज की खाने की व्यवस्था हमारे राजेश जी ने की है जो कि बहुत ही अच्छी बात है कि अतिथि देवो भव का पालन इन्होंने किया है। क्या कहना चाहेंगे? हुगली से बंगाल से चल के लोग तमिलनाडु और केरल और बहुत जगह से होते हुए मेघालय से होते हुए सब 9000 किलोमीटर की यात्रा कर आए हैं और हमारे गुरुद्वारा मंदिर पे रुके हुए हैं सेवा पार्क में। तो इनके खाने की व्यवस्था हम बोलबम सेवा समिति के द्वारा कर दी है। बहुत बहुत मंगल कामना, धन्यवाद।